हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हमारी बेसिक नीड्स कौन सी है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ये क्या है? हमारी बेसिक नीड्स है ना। फूड की ज़रूरत हमें क्यों होती है? सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है ना। फूड क्या देता है हमें? एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेली लाइफ के जो वर्क है, काम है, वो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। अगर हमें फूड ही नहीं मिला तो क्या हो सकता है, हम जी पाएंगे क्या? नहीं। तो इसलिए फूड क्या है? हमारी बेसिक नीड है। तो आज हम इसी बेसिक नीड के बारे में स्टडी करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड के लेसन में, जिसका नाम है अवर नीड फॉर फूड। ये लेसन नंबर 12, अवर नीड फॉर फूड। तो आपको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है और पेज नंबर 69 ओपन करना है, और उसके साथ साथ आपको क्या लेना है, अपना नोटबुक और पेन और पेंसिल भी साथ में रखनी है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उसे क्या कर सको, आप अंडरलाइन कर सको, और जो भी हार्ड वर्ड्स आते हैं उनके मीनिंग आप अपने नोटबुक में लिख सको, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप अपने नोटबुक में लिख सको। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें अपने साथ रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन्स। कैन यू टेल, दिस गर्ल हैड बिकम्स वेरी थिन एंड वीक ड्यूरिंग हिज हर इलनेस। ओके, तो ये जो आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रही है, एक गर्ल दिखाई दे रही है ना। ये गर्ल क्या है, बहुत वीक है। वाई? बिकॉज ऑफ इलनेस। इलनेस मतलब क्या होता है, आजारी बना। ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज शी रिकवर एंड बिकम फिट एंड हेल्दी अगेन। तो ये जो गर्ल थी, ये क्या थी, बीमार थी। इस वजह से क्या था, उसके बॉडी के अंदर क्या थी, वीकनेस थी, है ना। और थी मतलब वो उसकी जो बॉडी है वो क्या हो गई थी, थीन, मतलब वो बारीक हो गई थी, है ना। तो कुछ दिनों बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, शी रिकवर्ड एंड बिकम फिट एंड हेल्दी अगेन। कुछ दिनों बाद उसे फिट और हेल्दी लगने लगा, और उसने क्या किया, व्हाट हैपन हर टू रिकवर। तो उसके बाद वो नाचने खेलने लगी। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो इतनी जल्दी रिकवर हो गई? क्या हुआ, कि उसने क्या किया, हेल्दी डाइट लिया, मतलब उसने फूड ईट किया, है ना। जैसे कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, तो तो क्या होता है, हमें वीकनेस आ जाती है, हम हेल्दी मतलब वीक फील करने लगते हैं, थके हुए फील करने लगते हैं, है ना। तो तब हमें, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं हमें, कि रोज़ खाना खाया करो। उसके साथ साथ वो हमें क्या देते हैं, मेडिसिंस भी देते हैं। लेकिन जो मेडिसिंस लेनी होती है हमें, उससे पहले क्या करना पड़ता है, हमें फूड ईट करना पड़ता है, है ना। तो उसने क्या किया, फिर जो वो फूड ईट करने लगी अच्छा हेल्दी, तब उसे क्या होने लगा, फिट एंड हेल्दी वो फील करने लगी, है ना। इसकी वजह से, फूड की वजह से वो इलनेस से, मतलब बीमारी से जल्दी रिकवर हो पाई, है ना। देन कैन यू टेल, तो क्या आप बता सकते हैं, व्हाट मेक्स दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट। तो आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कि पिक्चर में ये जो बेबी है ये क्या है, बहुत स्मॉल है ना। लेकिन जैसे आप पिक्चर में देखते जाते हो सेकंड पिक्चर में, तो उसकी हाइट थोड़ी बड़ी हुई दिखाई देती है, उसका वेट थोड़ा बड़ा हुआ दिखाई देता है। देन थर्ड पिक्चर में वो क्या कर रहा होता है, क्रॉल करने लगता है, मतलब वो ज्यादा अपन मराठी मध्ये म्हणतो रांगत आहे, तो है ना। देन फोर्थ पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि वो खाना खा रहा है अपने हाथ, उसकी मम्मी उसको खाना खिला रही है। देन थर्ड मतलब फिफ्थ पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि वो अपने मम्मी के साथ कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हर एक पिक्चर में क्या है, डिफरेंस है, है ना। हर एक पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, कि वो जो बेबी है उसकी धीरे धीरे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है ना। तो ये सब क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ, तो ये सब किस वजह से हुआ, क्योंकि फूड की वजह से, है ना। जितना हम हेल्दी फूड खाएंगे, फूड ईट करेंगे, उतना ही हम क्या होंगे, वेट गेन करेंगे, हमारा वेट बढ़ने लगेगा। उसके साथ साथ अगर हम हेल्दी फूड लेंगे तो हमारी हाइट भी अच्छी तरह से बढ़ पाएगी, है ना। ये सब चीज़ें किस वजह से होती है, फूड की वजह से। अगर हम हेल्दी फूड ईट करेंगे तो हम क्या होंगे, बीमारी से जल्दी रिकवर हो पाएंगे। उसी की तरह जब हम हेल्दी फूड लेंगे तो फूड क्या करता है, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए मदद करता है ना। इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट।
व्हाई डू वी फील हंग्री, हम हंग्री क्यों फील करते हैं। जैसे हमने देखा था फर्स्ट पिक्चर में कि जो बेबी था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, है ना। और वो किस वजह से बढ़ने लगा, क्यों, क्योंकि उसने क्या लिया, हेल्दी फूड ईट किया। इस वजह से उसके बॉडी के वेट में और उसके हाइट में क्या हुआ, इंक्रीज, मतलब वो बढ़ने लगी, है ना। और हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है ना। तो हम फूड मतलब हम हंग्री कब फील करते हैं, जब हमें क्या लगती है, भूख लगती है ना। तो व्हाई डू वी फील हंग्री, तो व्हाई डू वी फील हंग्री मतलब हम हंग्री क्यों फील करते हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है। ओके, सो अवर बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली, दैट इज़ व्हाई वी नीड फूड। तो हमारे बॉडी का फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली चलता रहे, है ना, हमें वीकनेस ना आए, हम अपने डेली वर्क अच्छे तरह से कर पाए, इसलिए क्या चाहिए होता है, किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। और हमारे जो बॉडी का फंक्शंस है वो पूरी अच्छे तरह से चले, इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड अ फूड। फूड हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो, फूड क्या करता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, है ना। जैसे आप देखते हो, आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे और जब आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो, थर्ड स्टैंडर्ड में हो, जितनी हाइट आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी उतनी हाइट अभी है क्या आपकी, नहीं है ना। जो क्लोथ्स आप उस स्टैंडर्ड में पहनते थे वही क्लोथ अभी पहनते हो क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ गई होती है, आपने वेट गेन किया होता है ना, आपका वज़न बढ़ गया होता है। तो ये सब चीज़ें किस वजह से होती है, फूड की वजह से। फूड क्या करता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है ना, इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ अवर बॉडी। वेयर एंड टेयर मतलब क्या, जो टूटे फूटे, मतलब टूटना फूटना। ओके, जैसे कि हमारे बॉडी का कोई पार्ट ब्रेक हो गया, है ना, टूट गया, तो उसे रिपेयर करने के लिए भी क्या करता है, फूड हेल्प करता है। ओके, जैसे कि फूड से हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलता है ना। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी के बॉडी को रिपेयर करने के लिए मदद करता है, डैमेज टिश्यूज़ को। ओके, तो जो फूड है वो हमें हेल्प करता है रिपेयर करने के लिए। ओके, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। जैसे अगर हम गिर गए और हमें हल्की सी चोट लगी थोड़ी सी, तो क्या होता है, हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं क्या, नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे ही क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, मतलब जल्दी ही वो ठीक हो जाती है ना। तो ये किस वजह से होता है, फूड की वजह से। फूड क्या करता है, हमें हेल्प करता है। और फूड में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, और वो न्यूट्रिशंस क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। ओके, इट ऑल्सो गिव अस द स्ट्रेंथ वी नीड टू वॉक। ओके, सॉरी, वर्क। तो फूड और क्या करता है, हमें वर्क करने के लिए भी क्या देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है ना। जितना भी वर्क हम करते हैं, जैसे कि स्कूल में आना, खेलना, है ना, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। ओके, इफ़ वी डोंट गेट इनफ फूड वी फील टायर्ड। और देखो, जब आप बहुत ज़्यादा खेलते हो और आपने खाना नहीं खाया होता है, तो क्या होता है, आप जल्दी ही टायर्ड हो जाते हो, आप थक जाते हो जल्दी से। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी की में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, आप टायर्ड फील कर पाते हो। और आपने फूड, मतलब आपने खाना नहीं खाया होता है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, आप टायर्ड फील कर पाते हो। जब आप इनफ फूड, मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में आप जब क्या करते हो, फूड नहीं ले पाते। ओके, वेगरस इज लॉस्ट। वेगरस मतलब क्या, ताकत। ओके, जब हम फूड ईट नहीं करते प्रॉपर क्वांटिटीज़ में, इनफ फूड ईट नहीं करते, तो हम कोई भी वर्क करने जाते तो हमारा मन भी नहीं लगता, और क्या होता है, हम टायर्ड फील करने लगते हैं, है ना। हमें उतनी एनर्जी नहीं होती हमारे बॉडी में कि हम वो वर्क कर पाए। ओके, क्यों, क्योंकि फूड क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। एट सच अ टाइम वी फील वेरी हंग्री। और उस टाइम पे क्या होता है, हम बहुत हंग्री फील करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है उसकी लेवल कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, फिर हम हंग्री फील करने लगते हैं, है ना। जैसे आप देखो, आप बहुत ज़्यादा खेल के आते हो और आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो क्या होता है, आप टायर्ड फील करने लगते हो। और आपको फिर आप अपने मम्मी से कहते हो कि मुझे भूख लगी है ना, आप तब क्या करते हो, हंग्री फील करते हो। ओके, देन
इफ वी ईट अ लिटिल वी फील बेटर एट वंस। ओके, जब आप क्या करते हो, फूड ईट करते हो, खाना खाते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आप बेटर फील करते हो, आपको ऐसे अपने फ्रेशनेस फील करते हो और आपको आपके बॉडी में एनर्जी आई ऐसे लगता है ना, और आप अपना वर्क जल्दी जल्दी भी कर पाते हो। व्हेन वी वर्क अ लॉट आवर बॉडी फील्स फैटेड। ओके, तो जब हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, थकाव, फैटिक मतलब क्या होता है, फैटिंग मतलब क्या होता है, थकना। ओके, टायर्ड होना। इट मेक्स अस वेरी हंग्री लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा वर्क करके आते हैं, आप देखो आपके फादर अगर फार्मर होंगे, वो अगर खेत में काम करते होंगे, तो क्या होता है, वो जब घर को आते हैं शाम को, तो वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो बहुत हैवी वर्क करते हैं, है ना, खेत में, इस वजह से। ओके, वो टायर्ड फील कर पाते हैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे वो हंग्री भी फील करते हैं, जल्दी से उन्हें भूख भी लगती है। ओके, लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हमारी तरह भी और भी लिविंग थिंग्स है, मतलब जो सजीव चीज़ें हैं, उनको क्या लगती है, भूख लगती है। ओके, जैसे कि जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है, लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है, जो चीज़ें मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और जो चीज़ें क्या करती है, ब्रीथ करती है ना, ब्रीथ करती है, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। और उन लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है, फूड की भी ज़रूरत होती है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ह्यूमंस को, एनिमल्स को और प्लांट को एयर की भी ज़रूरत होती है, वाटर की भी ज़रूरत होती है, और फूड की भी ज़रूरत होती है। ओके, कैन यू टेल, डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो सभी लिविंग थिंग्स एक जैसा ही सेम काइंड के ही फूड ईट करते हैं क्या? नहीं, है ना। जब आप देखते हो जो ह्यूमंस है ज़्यादातर, वो क्या करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स ईट करते हैं, है ना। जैसे कि जो गाय है मतलब काऊ है, वो क्या ईट करती है, वो ग्रास ईट करती है। ओके, तो इस तरह से हर एक लिविंग थिंग्स क्या करता है, अपने अपने हिसाब से खाना खाता है। ओके, जैसे कि टाइगर होगा तो वो क्या खाएगा, वो फ्लैश खाता है। सब लोग क्या करते हैं, सेम काइंड का फूड खाते हैं क्या? नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के टाइप्स के क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं। ओके, काउ ईट्स ग्रास, वुड अ कैट लिव ऑन ग्रास टू। तो अब जो काऊ है वो क्या करती है, ग्रास ईट करती है ना, जो घास होती है ना, वो खाती है वो। लेकिन जो कैट होती है वो भी ग्रास के ऊपर जिंदा रह पाएगी क्या, वो ग्रास खाती है क्या, कैट? नहीं, है ना। इन दोनों का जो फूड है वो क्या है, डिफरेंट है। वो जो कैट है वो डिफरेंट टाइप्स के फूड खाती है, और जो काऊ है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप का फूड ईट करती है। वो क्या करती है, काऊ जो है वो प्लांट्स ईट करती है ना, जैसे कि ग्रास है। ओके, अ कैट लव्स टू ईट माइस, और जो कैट होती है वो क्या ईट करती है, वो माइस मतलब जो जिसे हम रैट कहते हैं, उंदीर, वो ईट करती है, वो उसे अच्छा लगता है। देन डज द मीन्स अ गोट वुड ऑल्सो लाइक टू ईट माइस। तो इसका मतलब ये है क्या कि जो गोट है वो भी माइस, उसे भी माइस अच्छा लगता है क्या? मतलब जो चूहा होता है वो खाना उसे भी अच्छा लगता है क्या? नहीं, है ना। जो गोट होती है वो क्या करती है, वो भी क्या खाती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लीव्स वो खाती है, पत्तियाँ, है ना। लेकिन जो कैट होती है वो क्या करती है, माइस ईट करती है। तो इन दोनों के फूड में क्या है, डिफरेंस है। ये जो है इनका खाने का तरीका, मतलब जो खाना है वो डिफरेंट तरीके का होता है, और जो गोट होती है उसका खाना क्या होता है, डिफरेंट तरीका होता है। ओके, लेट्स सी, टू ईच देयर ओन फूड। तो हर एक एनिमल्स और हर एक ह्यूमंस और जो भी जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो सब लिविंग थिंग्स क्या करती है, डिफरेंट काइंड्स के फूड ईट करती है। लेट्स सी, तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, एक न्यू टर्म्स मतलब नए वर्ड्स आए हैं, जैसे कि ऑयल केक, मतलब क्या होता है, द फाइबर्स पार्ट दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सीड्स सच एज ग्राउंडनट्स, सीसम और कॉटन सीड्स इज प्रेस्ड इनटू स्लैब्स। तो
आप देखते हो जो आपके घर में ऑयल होगा, है ना, जैसे कि ग्राउंड नट का ऑयल होता है, देन सीसा, देन कॉटन सीड, है ना, जैसे आप सब्जी के लिए ऑयल यूज़ करते हो, कैसे सोयाबीन का ऑयल होता है ना, पीनट ऑयल होता है, मतलब जो शेंगदाने होता है उसका भी ऑयल होता है, तो उसे निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो जो ग्राउंडनट होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको प्रेस किया जाता है मशीन में, और क्या होता है वो जो उससे फिर ऑयल निकलने लगता है, ओके, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। और इन सीड्स से जो ग्राउंड नट है, सीसम है, इन सीड्स से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, और ऑयल निकालने के बाद जो पार्ट बचता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है, जैसे कि जो ग्राउंड नट है उसमें से ऑयल निकालने के बाद जो फाइबरस पार्ट जो होता है ग्राउंड नट का जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं हम, दिस इज़ कॉल्ड ऑयल केक। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये क्या है, ऑयल केक। जैसे कि जो जो सीड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको प्रेस करके, अब ऑयल तो ऐसे ही निकलेगा क्या, नहीं, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेस करना पड़ेगा, उसको प्रेस करके क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, और जो पार्ट उसका बच जाता है तो उस पार्ट को क्या कहते हैं हम, ऑयल केक कहते हैं। वो केक की तरह दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसे प्रेस करने के बाद क्या होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, है ना, इस तरह से दिखाई देगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑयल केक, ओके। देन एम्बन्स अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ ऑयल केक, जगरी एंड कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन्स मिक्स्ड इन वाटर एंड यूज्ड एज अ एनिमल फीड। तो जैसे कि एम्बन्स मतलब क्या होता है, फर्मेंटेड मिक्सचर किसका, जैसे कि ऑयल केक है, जैसे अभी हमने देखा जो ऑयल केक मतलब क्या होता है, जो सीड होता है, सीड से ऑयल निकालने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑयल केक बोलते हैं। तो वो पार्ट और जगरी मतलब गुड़, देन कोर्स पार्टिकल ऑफ ग्रेन मिक्स, जो ग्रेन होते हैं अनाज, है ना, धान्य, वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसमें मिक्स किए जाते हैं। ये तीनों चीज़ें जो ऑयल केक है, जगरी है और ग्रेन है, ये मिक्स किए जाते हैं, किसमें, वाटर में मिक्स किए जाते हैं और उसे फर्मेंटेड किया जाता है, ओके। मतलब फर्मेंटेड मतलब म्हणजे काय, तर आंबवणे, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, तर उसको क्या किया जाता है, एक दिन या फिर कुछ देर बाद उसे रखा जाता है। वैसे ही जैसे कि हमारे घर पे क्या किया जाता है, जैसे डोसा इडली बनाती है, अगर आपकी मम्मी बनाती होगी तो क्या करती है, वो पहले वो राइस या फिर जो भी मटेरियल डोसा या फिर इडली को बनाने के लिए चाहिए उसे अगले ही दिन क्या करती है, उसे भिगो के रखती है वाटर में और उसका यूज़ दूसरे दिन करती है, तो उसे उस प्रोसेस को उसे क्या कहेंगे हम, फर्मेंटेड कहेंगे। इसी तरह से ये सब चीज़ें क्या की जाती है, वाटर में डाली जाती है, भिगो के रखी जाती है और फिर उस फूड को किसे दिया जाता है, एनिमल्स को दिया जाता है, जैसे कि काऊ है, ओके। देन नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो अभी हमने देखा था कि सभी लिविंग थिंग्स को क्या, किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, और सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट करते हैं। लेट्स सी, बट ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। तो ऑल लिविंग थिंग्स एक जैसे ही फूड ईट करते हैं क्या, नहीं। दे पीपल हु कीप कैटल, कैटल मतलब क्या, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जिसे हम मराठी में बोलते हैं गुर एंड जो जिसे काऊ कहते हैं हम, ओके। देन फीड देन ग्रास एंड हे, मतलब क्या होता है, गवत, ग्रास, ओके। एंड ऑल्सो ऑयल केक एंड एम्बन्स। तो जो कैटल होते हैं, जैसे कि काऊ होती है, बफेलोज होती है, ये क्या करती है, वो क्या ईट करती है, ग्रास एंड हे, ये सब चीज़ें वो ईट करती है, खाती है, जैसे कि ऑयल केक है, देन एम्बन्स है, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, ईट करती है, ये क्या है, उनका फूड है। बिसाइड्स ग्रास एंड हे, हॉर्सेस आर गिवन बेंगाल ग्राम। तो जो हॉर्सेस होते हैं वो क्या ईट करते हैं, बेंगाल ग्राम मतलब हरभरा, है ना, जैसे हम देखा था कि जो हॉर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, हरभरा ईट करते हैं, और कैसे उसे वाटर में क्या किया जाता है, भिगोया जाता है पहले, और फिर उन्हें क्या दिया जाता है, वो फूड दिया जाता है, ओके। देन गोट एंड शीप ईट द लीव्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ श्रब्स बिसाइड ईटिंग ग्रास।
तो जो गुड गोट्स और शीप होती है वो क्या करती है, वो ग्रास इट करती है क्या, ज़्यादातर वो क्या करती है, जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स वो क्या करती है, खाती है, मतलब पत्ते जो होते हैं वो ईट करती है ना, आपने देखा होगा। देन कैट लव टू ड्रिंक मिल्क, और जो कैट होती है वो क्या करती है, मिल्क उसे अच्छा लगता है, वो मिल्क ड्रिंक करती है ना। बट दे लाइक माइस जस्ट एज मच, लेकिन मिल्क के अलावा भी वो क्या, उसका कौन सा फूड है, माइस, उसे माइस भी क्या लगता है, अच्छा लगता है ईट करने के लिए। दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स सच एज स्पायरोज, तो वो क्या करती है, उसे मीट भी अच्छा लगता है ना। तो वो क्या, जो कैट होती है वो जैसे कि माइस को हंट करती है, माइस का शिकार करती है, उसी तरह से वो बर्ड्स का भी शिकार करती है। बर्ड्स लाइक कौन से, जैसे कि स्पायरो है, डव्स है, डव्स मतलब क्या, बदक, देन पिजन, इन सारी चीज़ों को वो क्या करती है, ईट करती है ना। दे डॉग्स में ईट चपातीस और भाकरीस, जो डॉग होते हैं वो क्या करते हैं, चपाती और भाकरी खाते हैं। ओके, तो जैसे अभी हमने देखा कि जो कैट है वो क्या करती है, उसे मिल्क के अलावा भी वो कौन सा फूड ईट करती है, वो मीट भी खाती है, मतलब जैसे कि माइस है, देन बर्ड्स है, बर्ड्स में कौन कौन से आते हैं, स्पायरो आता है, देन पिजन आता है, एंड डव्स मतलब क्या होता है, कबूतर, इन जैसी चीज़ों को वो क्या करती है, शिकार करती है उनका, और उनसे अपना पेट भरती है ना। लेकिन जो डॉग होता है वो क्या करता है, वो क्या खाता है, चपाती और भाकरी, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, ईट करता है। लेकिन बट दे प्रेफर टू कैट ईट मीट्स, लेकिन डॉग भी क्या करता है, मीट भी वो खाता है। ओके, पीपल हु कीप डॉग्स और कैट्स गिव देम मीट एंड फिश ऑल्सो, जो लोग क्या करते हैं, डॉग रखते हैं अपने घर में, वो क्या करते हैं, उन्हें मीट भी देते हैं, जैसे कि फिश है, ये सारी चीज़ें उनको देते हैं। जैसे किसके साथ साथ चपाती और भाकरी भी वो खाते हैं, लेकिन वो अलग भी चीज़ें क्या करते हैं, वो ईट करते हैं, जैसे कि फिश है, मतलब मीट है, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, खाते हैं। ओके, देन इन फॉरेस्ट एनिमल लाइक द डियर, बैसून एंड नीलगाय ईट वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रीन ग्रासेस एंड लीव्स, तो जैसे कि फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से, डियर है, बैसून है, नीलगाय है, ये सब एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रीन ग्रासेस जो होती है उनके लीव्स वो क्या करती है, ईट करती है, खाती है। देन इफ देयर आर क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ फील्ड नियर बाय दिस एनिमल फिनिश ऑफ दोज क्रॉप्स टू, तो ये जो एनिमल्स है, आपने देखा होगा किसी किसी खेत के आसपास क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो एनिमल्स कहाँ पे आते हैं, खाना खाने के लिए, अगर पास में क्रॉप हो मतलब खेत हो तो उसमें वो घुस जाते हैं, और वहाँ पे जो भी अनाज या फिर जो भी ग्रोइंग क्रॉप होता है, मतलब जो भी पीक लगाया होता है, उसे वो खा भी लेते हैं और उसे ख़राब भी कर लेते हैं, है ना, और उसे फिनिश भी कर लेते हैं उस क्रॉप को, दोस क्रॉप्स टू। देन वाइल्ड एनिमल्स लाइक द टाइगर एंड लॉयन लिव इन अ डीप जंगल, तो जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, ये कहाँ पे रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं, डीप में रहते हैं, है ना, वो ऐसे बाहर हमें दिखाई देते हैं कि ज़्यादातर नहीं, वो अंदर रहते हैं। देन दे हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश, तो ये जो टाइगर है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो क्या करता है, अदर एनिमल्स को हंट करता है, वो कौन सा खाना खाता है, वो फ्लैश खाता है ना, वो एनिमल्स को, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, वो क्या कर रहा है, हिरन को हंट कर रहा है ना। देन दे हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश, फ्लैश मतलब क्या होता है, उनका मांस वो क्या करते हैं, खाते हैं। देन यूजुअली दिस एनिमल्स डू नॉट हंट इन ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब गांव में जाके हंट करते हैं क्या, नहीं, लेकिन कभी कभी वो करते, कब करते, लेट्स सी, बट समटाइम्स व्हेन दे आर स्टवर्ड मतलब क्या, जब वो भूखे होते हैं बहुत ज़्यादा, तब वो क्या करते हैं, दे आर फोर्स टू एंटर नियर बाय विलेज, तब वो क्या उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तब वो क्या करते हैं,
एंटर मतलब वो फोर्सफुली एंटर हो जाते हैं विलेज में, मतलब वो मजबूर हो जाते हैं अपने भूख की वजह से गांव में जाने के लिए अपने अपना खाना लेने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए. ओके, देन दे किल एंड कैरी अवे कैटल. और फिर उस टाइम वो क्या करते हैं, गांव में जितने भी जानवर या फिर जो भी जानवर होते हैं पालतू, उनको क्या करते हैं, वो ईट करते हैं, उनको किल करते हैं और उनसे अपना क्या करते हैं, वो भोजन पाते हैं. देन मेनी टाइम्स फॉक्सेस डेयर टू एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स. और जो फॉक्स होते हैं है ना, वो ह्यूमन सेटलमेंट में जाने से क्या करते हैं, वो घबराते हैं है ना, उनको वो बहुत उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको हिम्मत करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि वो इनकी तरह मतलब टाइगर्स और लायन की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते. ओके, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज टाइगर. क्यों? क्योंकि वो टाइगर से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए दे कैन नॉट किल कैटल. तो वो कैटल को किल नहीं कर पाते क्योंकि कैटल से ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं होते है ना. दे आर मोस्टली कंटेंट विथ स्टीलिंग फ्लोज. तो वो क्या करते हैं, जो खाना बचा हुआ होता है या फिर जो खाना ऐसे जैसे टाइगर ने किसी को हंट किया और उससे जो बचा हुआ खाना होता है, वो खाना वो क्या करते हैं, चुरा के खा लेते हैं जो फॉक्स होते हैं वो. ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा कि जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या होती है, फूड की ज़रूरत होती है. उसी तरह से ह्यूमंस है, एनिमल्स है, इनको फूड की ज़रूरत होती है. जिस तरह से उनको एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जो ये फूड है ये भी क्या है, उनकी बेसिक नीड्स है. ऑल लिविंग एनिमल्स को क्या होती है, फूड की ज़रूरत होती है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.